So hi friends and welcome back to my YouTube channel Safira World. If you are new on my channel, please consider subscribing. So सुबह सुबह मैं साइकिलिंग करने आई थी और फिर रास्ते में मुझे ये नर्सरी दिखी तो सोचा कुछ प्लांट्स ले लिए जाए. तो यहाँ पर प्लांट्स मैंने ले लिए थे कुछ और अब मैं जा रही थी घर पर. सो गाइज, आफ्टर रीचिंग माई बिल्डिंग यू कैन सी मैं मेरे बाइसिकल को दो लॉक्स लगाती हूँ. जिस तरह हम हमारे मोबाइल को डबल वेरिफिकेशन कोड एंड ऑल लगाते हैं उसी तरीके से. सो यहाँ पर मैं जो फ्लावर्स मैंने लाए थे उन्हें ठीक से उनके जो कांटे और लीव्स हैं उनको अच्छे से निकाल रही थी और मैं इनको ठीक से क्लीन अप कर फिर अपने रूम में रखूँगी. तो यहाँ पर मैं वही सब कर रही हूँ. सो गाइज, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है और क्या आपके घर में भी रोज़ के प्लांट्स है या नहीं है. टू लेट मी नो. सो यहाँ पर मैंने सब फ्लावर्स को ठीक से रख दिया था और अपने स्टडी टेबल पर रख दिया था. उसके बाद मैंने मेरा हैंड वॉश किए, देन फेस वॉश किया एंड उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट टाइमिंग पर. सो यहाँ पर मैं और मम्मा दूसरे साइड में बैठे थे. हम दोनों बैठकर चाय रोटी खा रहे थे. आप बताइए आपके घर में ब्रेकफास्ट में क्या बनता है. हमारे यहाँ तो यूजुअली रोज़ ही एक ही चीज़ बनती है, वो होती है चाय रोटी, सिर्फ कभी घी के साथ, कभी फ्राइड, कभी पराठा रोटी का, तो यही सब चलता है. ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद यहाँ पर था स्टडी टाइमिंग, तो यहाँ पर मैं स्टडी कर रही थी. ऑलमोस्ट मैंने 2 आवर्स स्टडी कर लिया था. सो उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा स्किन केयर और कुछ खास नहीं था, सिर्फ बीट रूट का जो पाउडर होता है उसमें थोड़ा सा मिल्क या वाटर ऐड कर लेना है और उसके पेस्ट को फेस पर लगाना है. तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी. एंड सो यहाँ पर मेरा फेस पैक बनकर रेडी हो चुका था. सो वो अप्लाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ. फेस पैक लगा लिया था, फ्रेशन अप हो गई थी. उसके बाद टाइम था सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र का. आजकल मैं बहुत ही सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ. और यहाँ पर आप देखिए सामने कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. सो मैं रोज़ देखती हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा है. तो अभी तो बहुत सारा काम बाकी है. यहाँ पर मैं मेरा स्किन केयर कर रही थी. स्किन केयर होने के बाद मैं फिर से स्टडी कर रही थी और ये उसी का क्लिप है. नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि सुंदरबन एरिया, जैसे कि रिवर्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया ऑफ नो द नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न बंगाल के साइड में या नॉर्दर्न मेघालय के साइड में, नॉर्दर्न बांग्लादेश और सदर्न मेघालय के साइड में. सो यहाँ पर थी सोन पापड़ी, जो कि चॉकलेट सोन पापड़ी थी विद ड्राई फ्रूट्स. आई मस्ट टेल यू गाइस, ये बहुत ही अच्छी थी टेस्ट में एंड आई रियली लाइक्ड इट. उसके बाद टाइम हो गया था जोहर का, यानी मेरी आफ्टरनून प्रेयर्स का. तो मैं यहाँ पर उसी के लिए रेडी हो रही थी.
सो गाइस यहाँ पर मेरी नमाज हो चुकी थी और फिर अब नमाज के बाद पराठे बनाकर रखे हुए थे, उन्हें बस सेकना था। तो यहाँ पर मैं मेरे पराठे सेक कर कैबेज के पराठे थे जो कि अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो पराठे खाए एंड पराठे खाते खाते मैं ये इस्लामिक लेक्चर सुन रही थी। बयान सुनने के बाद मैंने थोड़ी देर स्टडी की थी और उसके बाद इमीडिएटली टाइम हो गया था असर का। तो यहाँ पर अगेन मैं नमाज के लिए रेडी हो रही थी। असर की नमाज के बाद मैं मम्मा के साथ नीचे गई थी कुछ सामान लाने के लिए, उनका रोज़ा था। तो फिर उसी में बहुत हड़बड़ी में दिन गया। यहाँ पर फिर मैंने मम्मा के लिए पनीर मंगा लिया था क्योंकि उनका रोज़ा था। तो यहाँ पर मसाला पनीर जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और यहाँ पर हम मम्मा का रोज़ा खोलकर इमीडिएटली खाने के लिए बैठ चुके थे दस्तरखान पर। कुछ सैंडविच बनाए थे, ये ग्रीन चटनी मेरी काफ़ी फेवरेट है। तो इसी के साथ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, बट सब इतने जल्दी जल्दी में हुआ। मगरिब का टाइम इतने जल्दी जाता है विंटर्स में तो पता ही नहीं चलता, तो इतना कुछ मैंने शूट नहीं किया था। जब हम शाम में नीचे गए थे कुछ सामान लेने, तभी मैं कौन लेकर आई थी और एक दो दिन बाद मैंने मेहंदी निकाली थी। तो देखिए आप कितनी प्यारी लगी है, मैंने इसी में उसका क्लिप ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने रात में मिल्क पिया और ये देखिए कितने सारे प्लांट्स मैं उसके नेक्स्ट डे, हर रोज़ मैं एक एक दो दो प्लांट करके सैपलिंग्स करके लेकर आ जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बालकनी में अब ढेर सारे प्लांट्स चाहिए वापस से। क्योंकि पहले हम जब रहते थे तब बहुत सारे प्लांट्स हमने यहाँ पर रखे हुए थे, बट फिर वापस हम होम टाउन चले गए तो सब वहाँ पर शिफ्ट कर दिए थे। तो अब मैंने यहाँ के लिए वापस से प्लांट्स ख़रीद लिए हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू एंजॉय टुडेज़ वीडियो प्लीज़ टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।